आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया था जिसके तहत केंद्र सरकार ने कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की घोषणा की थी, जिसके तहत केंद्र सरकार ने 30 सितंबर तक विदेशों से आने वाले कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। केंद्र सरकार के इस फैसले से देश के कपड़ा व्यापारियों को बड़ी राहत मिली थी, तो वहीं इस फैसले से देश में कॉटन की खेती करने वाले किसानों में बड़ी मायूसी भी दिखी है। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद से देश के कई हिस्सों में कॉटन के दामों में गिरावट होनी शुरू हो गई है। वहीं अब किसानों को आने वाले दिनों में भी उनकी फसल के दाम बेहतर ना मिलने की चिंता भी उन्हें सता रही है। वहीं सरकार के इस फैसले के खिलाफ किसान संगठनों ने भी अपनी आवाज बुलंद भी की है। वहीं कॉटन की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि फसल खराब होने की वजह से दामों में ये बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को बढ़े हुए दामों का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। कॉटन के किसानों का पक्ष रखते हुए महाराष्ट्र के एक किसान नेता ने कहा कि बीते दिनों तक बाजार में कॉटन के जो दाम मिल रहे थे उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसानों को इसका फायदा मिल रहा होगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत साबित हुई है। प्राकृतिक आपदा की वजह से कॉटन की फसल खराब हुई है और इस कारण एक क्विंटल की जगह आया क्विंटल कॉटन भी, जो उसकी पैदावार है वो भी खराब हुई है, जिस कारण दामों में ये बढ़ोतरी हुई। सरकार के कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने संबंधी फैसले पर किसान नेता ने कहा कि इस तरह की घोषणा से बाजार में दबाव बनता है और इससे दाम गिरने से किसानों को नुकसान भी होता है। केवल घोषणा से ही 500 से 1000 रुपये प्रतिशत तक दाम गिर जाते हैं। अगर आने वाले समय में सरकार किसानों के हित में कोई फैसला नहीं लेती है तो ये कॉटन किसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा ने कॉटन से इंपोर्ट हटाए जाने संबंधी सरकार के फैसले की निंदा की। अखिल भारतीय किसान सभा ने बयान जारी कर कहा है कि इस फैसले से चीन, ब्राजील, अमेरिका समेत अन्य स्थानों से सस्ते कॉटन की आमद होगी, जो देश में संकटग्रस्त कॉटन किसानों पर और बोझ डाल सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भूलना नहीं चाहिए कि भारत में कॉटन की पट्टी में ही संकटग्रस्त किसानों द्वारा आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अखिल भारतीय किसान सभा ने जारी बयान में ये भी कहा कि केंद्र सरकार का ये फैसला देश के कॉटन किसानों के लिए आपदा का कारण बनेगा, जो पहले से ही गंभीर संकट है। तो बड़ी खबर में अभी बस इतना ही, और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।